वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है टैग ग्रिप। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। क्या होता है दोस्तों, अगर आपको स्नैपचैट पर नोटिफिकेशन के साउंड को चेंज करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, यह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और स्टार्ट कर लेते अपने इस वीडियो को। आपको बताते हैं किस प्रकार आप अपने स्नैपचैट के नोटिफिकेशन के साउंड को चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अपने स्नैपचैट को ओपन करते हैं, उसके बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर आ जाते हैं, और उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आप पहुँचते हैं, और यहाँ पर आपको साउंड वाले एक ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ साउंड वाला ही ऑप्शन दिया गया है, इसको आप अनटिक कर सकते हैं या फिर टिक कर सकते हैं। उसके नीचे आपको रिंग वाला भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन गाइज उसको भी आप टिक अनटिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है जहाँ से आप इसका साउंड चेंज करें। इसके नोटिफिकेशन का साउंड किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ से बिल्कुल बैक आ जाना होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश जरूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, उसके लिए हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है, उसके बाद हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है तो हमारे फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर वाला ऑप्शन दिया गया है। कुछ फ़ोन के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर खाली नोटिफिकेशन ही देखने को मिले, तो आपको एक बार इस पर टैप कर लेना है, जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ ऐप नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस हैं इंस्टॉल हो रखे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ढूंढना है स्नैपचैट को, तो आपको स्नैपचैट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिए हुए, जर्नल, मैसेजिंग, कॉलिंग, अदर्स। तो गाइज यहाँ पर जैसे मैसेजिंग वाला सेक्शन है, इसके अंदर स्नैप्स एंड चैट्स वाला ऑप्शन दिया गया है, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साउंड वाला ऑप्शन हमें मिलता है, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साउंड चेंज करने के ऑप्शन हमें दिए गए हैं। जैसे हम यहाँ चूज लोकल रिंगटोन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो हमारा फाइल मैनेजर है वो भी ओपन हो जाता है, या फिर जो आपकी कोई अपनी रिंगटोन है उसको भी आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद आपके सामने रिंगटोन्स आ जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और इसी तरह से मैं यहाँ से एक और स्टेप बैक आ जाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये तो मैसेजिंग वाला ऑप्शन था, अब दोस्तों जैसे कॉलिंग्स के लिए हैं, कॉल फ्रॉम फ्रेंड्स, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर भी आप साउंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप अपने साउंड को चेंज कर पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको अलग अलग सेटिंग है जो आपके नोटिफिकेशन की, उसके साउंड को आप यहाँ आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उम्मीद करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।